आप पैंट शर्ट पहना कर राम को सामने में लेके चलाएंगे, हाथ में स्टैंड गन दिला दीजिएगा, तो ऐसे तो नहीं होता है। वो तीर कमान जो था तीर कमान ही रहेगा, लक्ष्मण के हाथ में भी है, राम के हाथ में। सनातन धर्म जो लोग जो हिंदुत्व का जो एजेंडा चला रहे थे, वो अभी इतना सबर से बैठे थे क्यों, और मुंतशिर के बारे में FIR क्यों नहीं कर रहे, जो जो हिंदू के सम्राट बैठे हुए बड़े बड़े सम्राट, वो सम्राट आवाज क्यों नहीं उठा रहे। ये पावर किसने दिया कि हिंदू के देवी देवताओं को बदनाम किया जाए। मर्दूत का बच्चा बोलता है कि बजरंग बली को हमने बनाया, तेरी औकात क्या है बजरंग बली को बनाने की। हमको समर्थन मुसलमान का हम करेंगे, लेकिन किसी के भी देवी देवता को पर होगा कि हमको चोट लगती है, भले उनको ना लगे, लेकिन हमारे अंदर में एक इंसानियत है। हम ये चाहते हैं कि क्यों किसी को हम छेड़छाड़ करें, किसी के देवी देवताओं को, मेरा हक नहीं बनता है किसी के देवी देवताओं को हम बुरा बोले। चूल्हे भाड़ में जाए, मजहब हिस्ट्री सब भाड़ में डाल दो, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। जैसे कि कश्मीरी फाइल में पैसा लेके किस तरह से भागा ठाकुर, अनुराग ठाकुर जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू का सम्राट बोलता है, वो काहे नहीं, उसके दिल में वो पास क्यों किया, इस पिक्चर को पास क्यों किया उसने। मनोज मुंतशिर को फौरन उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए और ये पिक्चर को फौरन सीज कर देना चाहिए। किसी के मजहब का मजाक उड़ाना ये गलत चीज है देश के अंदर, क्योंकि झूठे हिंदू का आप प्रचार कर रहे थे, वोट की राजनीति कर रहे थे। आज हिंदू इतना बड़ा समझिए एक्सपोज हो गया, आज मनोज मुंतशिर ने समझिए पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर दिया, उसके ऊपर में अब तक आप आवाज़ नहीं उठा रहे। हाथ इंदौरी का कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, हर तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, कभी केरला स्टोरी के बारे में, कभी कश्मीर फाइल के बारे में, कभी हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम को बदनाम करने के बारे में, कभी सूर्य नमस्कार के बारे में, हर तरह से किया। लेकिन आज ये खुद सनातन धर्म अपने हथियार से चोट खा गया, ये मनोज मुंतशिर ने पूरे सनातन धर्म को लंगा कर दिया इस बदतमीज आदमी ने। एक मुसलमान कभी भी नहीं चाहता है कि किसी मजहब को या किसी के देवी देवताओं को बदनाम करे, लेकिन ये मर्दूत का बच्चा ये मनोज मुंतशिर इसने क्या किया। देखिए आप पूरे हिंदुत्व के जो चलाने वाले हैं, हिंदू का एजेंडा चलाने वाले जितने भी हैं, हम सबको मर्दबाना हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि ये जो किया था आप लोगों ने, आज ये हड्डी आपके गले की खुद ये बन गई, ऐसे लोगों ने बना दिया जिनके ऊपर मैं आपने भरोसा किया था, जिनका आज बॉलीवुड वाले का आप लोगों ने साथ दिया, आज बॉलीवुड वाले ने आपके मजहब का मजाक बना दिया, पूरा बर्बाद कर दिया समझिए सनातन धर्म को। सोचिए बजरंग बली का समझिए एक किस्म से श्री राम के साथ में एक जुड़ा हुआ नाम है, जैसे जय श्री राम जय बजरंग बली, और एक अलग उनका एक मुकाम, एक इज्जत, और उनको इस तरह से एक्सपोज किया, इस तरह से गंदे अंदाज से उसको पेश किया कि हम तो ये सोच रहे कि आखिर ये सनातन धर्म जो लोग जो हिंदुत्व का जो एजेंडा चला रहे थे, वो अभी इतना सबर से बैठे हुए क्यों हैं, इस पिक्चर के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसके खिलाफ जो है FIR क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मनोज मुंतशिर के बारे में FIR क्यों नहीं कर रहे, जो जो हिंदू के सम्राट बैठे हुए बड़े बड़े सम्राट, वो सम्राट आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, उनको उठाना चाहिए कि आज हमारे सनातन धर्म के ऊपर में एक मनोज मुंतशिर जैसा कमीना मर्दूद उसने आवाज़ उठा दी। अब हम बोलेंगे यही बात कि पहले इस बात का गारंटी देगा पूरे हिंदुस्तान को, मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी मुसलमान ने, किसी भी हिंदू धर्म देवी देवता या पंजाबियों के देवी देवता हों या अंग्रेज के हों, किसी को भी एक भी मुसलमान हमको बता दिए कि उसने जलील किया हो या बेइज्जत किया हो। हमेशा हम लोग हमेशा सबकी इज्जत करते हैं, सबके दिल में अपने अपने मजहब का श्रद्धा है, मोहब्बत है, देवी देवताओं की मोहब्बत है, तो हम काहे के लिए जाएंगे किसी को बोलने के लिए। ऐसा लग रहा है कि मुसलमान डर से गए, अगर आवाज उठाएंगे तो मुसलमान के ऊपर कुछ और तरह अगर एक्शन ले लिया जाएगा। अब एक्शन लेने में बचा क्या, हर तरफ तो आप तो एक्शन ले ही रहे, आज क्या हो रहा है जाके देखिए नैनीताल के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान जो है यही बोलता है कि आप लोगों का दिमाग जो है ना डाइवर्ट हो चुका है, इंसानियत पे आइए आप लोगों को सब चीज़ समझ में आएगा, हर चीज़ नज़र आएगा आपको, मगर आप लोग नहीं चाह रहे। देखिए आज आपके मजहब के ऊपर में आप ही के हथियार ने आपके गले पे रेत दिया, हिंदुत्व का नाम पे मनोज ने इस तरह गलत काम किया, बहुत बड़ा गलत काम किया। क्यों उसको ये पावर किसने दिया कि हिंदू के देवी देवताओं को बदनाम किया जाए। मर्दूत का बच्चा बोलता है कि बजरंग बली को हमने बनाया, तेरी औकात क्या है बजरंग बली को बनाने की, बजरंग बली बना है तो वो अपने मोहब्बत जो श्री राम का जो मोहब्बत थी उनके अंदर में, वो एक जो भक्त था वो अपने भक्ति का उसने अब सबूत दिया गया कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं श्री राम के, वो तो अपने से बने। तो मनोज मुंतशिर की औकात क्या है, वो है कौन, हम तो समझते हैं कि दोगला है, क्या मालूम है किस जात का है, उसको तो समझ ही में नहीं आता ये मुंतशिर है ना मनोज है। मनोज
मुंतशिर कह रहा है कि हमने रामायण को कोई छेड़छाड़ नहीं किया। आज रामायण का नहीं छेड़छाड़ किया तो बजरंग बली फिर कहाँ से आ गए? बजरंग बली तो रामायण का तो हिस्सा है, किसी और भी किसी हिस्ट्री का हिस्सा है। श्री राम के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? सिर्फ बजरंग बली जुड़े हुए ना, और कोई भी जुड़ा हुआ है? तो आखिर तुमने बजरंग बली के नाम पे इतना गंदा डायलॉग क्यों लिख दिया? आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? हमको इसलिए आप जैसे मुसलमान के समर्थक बनते फिरते, आपको क्या तकलीफ है? हमको समर्थन मुसलमान का हम करेंगे, लेकिन किसी के भी देवी देवता को परम होगा हमको चोट लगती है, भले उनको ना लगे, लेकिन हमारे अंदर में एक इंसानियत है। हम ये चाहते होंगे कि क्यों किसी को हम छेड़छाड़ करें, किसी के देवी देवताओं को, मेरा हक नहीं बनता है किसी के देवी देवताओं को हम बुरा बोलें। और आज तक के मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अब तक के जितने भी हमने इंटरव्यू मुसलमानों के देखे या मैंने भी दिए, कभी हमने किसी देवी देवता के खिलाफ बात नहीं की। क्यों? कि हर इंसान, हर मजहब वाले अपने देवी देवता का श्रद्धा, उनकी इज्जत उनके नज़र में है, और वो करें, हमको खुशी इस बात की। बीजेपी लीडर तो इसको प्रमोट कर रहे हैं, आप इस तरह बात कर रहे हैं तो बीजेपी एक्सपोज हो जा रही है। इसका मतलब है अगर जो बीजेपी सपोर्ट कर रही है तो बीजेपी तो बजरंग बली और श्री राम को लेकर आज पूरी हुकूमत करी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। अगर से आज उसके खिलाफ नहीं उठाती है तो आज हिंदू धर्म और सनातन धर्म जितने भी हैं आँख खोल के देख ले अपनी नज़र से कि ये क्या हो रहा पूरे देश के अंदर में, कि उनको इस्तेमाल करके आज हुकूमत बनाई आ रही, उनके ऊपर में इतना बड़ा लांछन लगा, इतना बड़ा गंदा डायलॉग लिख दिया। मुंतशिर बोलता है क्या कि हमने बनाया बजरंग बली को? बजरंग बली तो एक मामूली भक्त थे श्री राम के, तो होता कौन है ये बात बोलने वाला? हमको बुरा लगा इस बात का कि तू एक हिंदू होकर तेरे मुंह से ये निकला कैसे? तेरा मुंह जल नहीं गया कमबख्त मर्दूत? नहीं तो मनोज मुंतशिर जो है हिंदुओं का नाम में सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, वो देखिए, वो असल में जो बनी है ये पिक्चर जो बनी है ये खास करके सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए बनी है, और चाहे उसके अंदर में चूल्हे भाड़ में जाए मजहब, चूल्हे भाड़ में जाए श्रद्धा और हिस्ट्री, सब भाड़ में डाल दो, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। जैसे कि कश्मीरी फाइल में पैसा लेके किस तरह से भागा, सबने सवाल किया था कि अगर इसमें से कमाया तो तुम कश्मीर पंडितों को तुम कितना इसमें पैसा दोगे, तो उसकी बोलती बंद हो गई थी। तो आज वही मनोज मुंतशिर सोचे थे कि उसी हिसाब से हम इसमें कमा लेंगे, तो उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, 600 करोड़ चले गया पानी में, अवाम ने नकार दिया। बैंड होना चाहिए ये पिक्चर, बैंड हो जाना चाहिए, इसको चलने नहीं देना चाहिए किसी भी सिनेमा हॉल के अंदर में, चलने नहीं देना चाहिए। इसलिए कि मजहब की बुनियाद पे कोई पिक्चर नहीं बनना चाहिए। आपने हमारे मजहब के बारे में बनाया, बहुत कुछ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाया, हम लोगों को बुरा नहीं लगा, लेकिन आप लोगों ने जब बाहर निकल के गालियां बकी तो वो हम लोगों को दिल में तकलीफ हुई, फिर भी बुरा नहीं लगा कि अल्लाह आप लोगों को अकल दे। कौन सा मूवी बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा रिलीज होगा, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये आप किस तरह से बोल सकते हैं? हमारे हाथ में सही बातें नहीं है, लेकिन ये तो बोलने का मेरा हक बनता है कि अगर जो कोई गलत है तो हम गलत जरूर बोलेंगे। ये बड़ा बड़ा अनुराग ठाकुर जो है, अनुराग ठाकुर जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू का सम्राट बोलता है, वो कहीं नहीं, उसके दिल में वो पास क्यों किया, इस पिक्चर को पास क्यों किया उसने? उसको तो पास नहीं करना चाहिए था, संग संग इसको तो सीज कर देना चाहिए था, इस पिक्चर ही को सीज कर देना चाहिए था। आप टारगेट किसे करना चाहते हैं, बीजेपी को या हिंदू को? हम तो टारगेट करना चाहेंगे कि जो सेंसर बोर्ड को, जो सेंसर बोर्ड ने, जो इसके अंदर में सारे हिंदू सनातनी बैठे हुए होंगे, उन लोगों के जमीर धितकारा नहीं कि ये पिक्चर को कैसे हम पास करें, ताकि हर आदमी, हर पार्टी वाला इसके अंदर में हाथ धोएगा। तो हाँ, दोनों शुरू हो गया, बहुत बड़ा गलत हुआ है किसी के मजहब के बारे में, आप क्या बजरंग बली के बारे में आप उल्टा सीधा उसके अंदर में डायलॉग लिख दिया आपने। इसी के लिए तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, गाली भी तो दे रहे, जो सही सनातनी है वो तो गाली भी तो बक रहेंगे, इसके खिलाफ आवाज तो उठ गई है। मनोज मुंतशिर को फौरन उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और ये पिक्चर को फौरन सीज कर देना चाहिए। किसी के मजहब का मजाक उड़ाना ये गलत चीज है देश के अंदर में, एक ऐसा कोई इसके हम एकदम खिलाफ है। एक ऐसा स्टेट बताइए जहाँ पे आपका ये पिक्चर सीज हुआ होगा, पूरा बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ पे भी तो पिक्चर। तो हम तो बीजेपी को ज्यादा बोलेंगे कि आप जो इतना ज्यादा हिंदू का जो आप ठेकेदार बने हुए थे, आज कम से कम निकल के इतना बड़ा बेइज्जती हो रहा है, श्री राम के भक्त का बेइज्जती हो रहा है, तो आपको तो सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए कि पिक्चर को बैन कर देना चाहिए, इस पिक्चर को बैन करना चाहिए। तो आप लोगों के इस टाइम में अब तक के जमीर जागा का ही नहीं, हम तो इस बात का हमको अफसोस है। हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं बस, यही सही है कि झूठे हिंदुत्व का प्रचार कर रहे थे, वोट की राजनीति कर रहे थे। आज हिंदू इतना बड़ा समझ एक्सपोज हो गया, आज मनोज मुंतशिर ने समझ पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर दिया, उसके ऊपर में अब तक आप आवाज नहीं उठा रहे? यानी आपके बोलने का मतलब है जो लोग बीजेपी का समर्थन करते सब मूर्ख है? इस पिक्चर को चलने देने का मतलब है कि वो मूर्ख है? आपको बोलने का मतलब चलने नहीं देना चाहिए आपको? आपके कहने का मतलब है सब लोग सड़क पे आ जाए और बोले? सड़क पे क्या आएगा, वो अगर चाहेंगे तो दो इनकी हुकूमत है,
इनकी हुकूमत है, कल होकर परसों तक के ये पिक्चर पूरा बैन कर सकते हैं, ये चलने नहीं देना चाहेंगे अगरचे नहीं चाहें, लेकिन इनको अगरचे अपने मजहब से अपने बजरंग बली से प्यार होगा तो ये बैन करेंगे, अगर प्यार नहीं होगा तो ये बैन नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री आप चुपचाप देख थोड़ी रहे, प्रधानमंत्री को कार्रवाई करेंगे जरूर। जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री के अंदर में अगरचे बजरंग बली की मोहब्बत होगी और वो चाहते होंगे, श्री राम को भक्त होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो एकदम सबसे पहले ऑर्डर देंगे कि इस पिक्चर को बैन करो। और हम तो खास करके हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे मोदी जी से कि आप सबसे पहले इस पिक्चर को बैन कीजिए, इसलिए कि आपके मजहब का और बजरंग बली का सबसे बड़ा मजाक बनाया गया। खुशी भी तो होना चाहिए, भगवान राम का जो है पूरे देश में जो है एक नया तरीके से स्वागत। काहे को चेंज होगा, क्यों चेंज होगा भगवान राम, क्यों चेंज होंगे भगवान राम? जैसे थे, जिस तरह से उनकी जिंदगी कटी, जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को काटा, ट्रस्ट अपनी जिंदगी को समझ, एक मुजाहिदा जिंदगी उन्होंने काटी अपनी जिंदगी, 14 साल समझिए वनवास में रहे, वो सब आप समझिए क्या वो कुर्बानी आप भूल जाएंगे? उन्होंने किसके लिए कुर्बानी दी, क्यों दी? उन्होंने दुनिया वाले को एक अपना एक साइन दिया, एक अपनी सीख दी कि देखो सच्चाई की राह पे चलने से इंसान बाद में भी उसको कामयाबी मिलती है। उनको कामयाबी मिली थी वनवास में जाने के बाद में भी। आपके बोलने का लग रहा है बीजेपी आज उसको जो है मॉडर्नाइज कर दिया, क्यों मॉडर्नाइज होगा, क्यों मॉडर्नाइज होगा? मजहब जैसा है वैसे ही रहेगा, मजहब किसी का चेंज नहीं होता। चेंज होने का मतलब है कि आप उसको मॉडिफिकेशन कर रहेंगे मजहब के अंदर में, कल होके आप ये भी कर सकते हैं, कोई ठीक नहीं हैगा। आप पैंट शर्ट पहनाकर राम को सामने में लेके चलाएंगे, हाथ में स्टैंड गन दिला दीजिएगा, तो ऐसे तो नहीं होता। वो तीर कमान जो था, तीर कमान ही रहेगा, लक्ष्मण के हाथ में भी है, राम के हाथ में भी, क्योंकि वो तीर कमान की लड़ाई थी। आज उसके हाथ में अगर जो कोई बोलेगा कि तोप दे दो, टैंक दे दो, तो कैसे हो जाएगा? ये तो एक किस्म से देखा जाए भगवानों का अपमान हो रहा है, अपने देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। क्यों होगा, काहे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या वजह लग रही है, 3 दिनों से 4 दिनों से लगभग पिक्चर चल रही है, 400 करोड़ लगभग कमा लिया है पिक्चर अभी तक भी। ये सिर्फ बोलने की बात है कि, लेकिन अभी हम देख रहे हैं आवाज़ उठी है और आवाज़ उठा रहे हैं, और हम खास करके मोदीमाना सबसे गुजारिश करेंगे कि इस पिक्चर को सबसे पहले आप लोग बैंड कीजिए, इसलिए कि आपके मजहब का मजाक उड़ रहा है, बजरंग बली का मजाक बनाया जा रहा है। और एक अल्फाज जो है मनोज मुंतशिर का, ये बहुत गंदा अल्फाज है कि हमने बनाया था बजरंग बली को, उसके बाप की क्या मजाल है जो बजरंग बली को वो आपको बनाएगा? क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ क्या? मेरे कहने का मेरा बोलने का मतलब है कि किसी भी देवी देवता का आप अपमान करने का आपको किसने पावर दे? सब हिंदू खुश, आप कोई हिंदू खुश नहीं है। जो बायकॉट गैंग जो है वो आवाज नहीं उठा रहा, बाकी सब हिंदू नाराज है कि आपने बजरंग बली का रूप ऐसे चेंज क्यों किया, वो ऐसे थे नहीं। इतना मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या? नेता लोग खुश है, सब हिंदू खुश, कोई खुश नहीं देख रहे। और अगर खुश हैं तो इसका मतलब है कि सनातनी नहीं है, उनके दिल में हिंदू का कोई मोहब्बत नहीं है। अगर कोई खुश हो रहा तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हम एकदम डायरेक्ट बोल लेंगे ये समझ लोगे तो फिर आप इसका, इस मजहब की मोहब्बत नहीं आपके दिल में। अगर श्री राम से आप मोहब्बत करते हैं और बजरंग बली से आप मोहब्बत करते हैं तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए।